दोस्तों आज मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ क्योंकि आप सबके प्यार की वजह से आज मैं 1000 सब्सक्राइबर क्रॉस कर चुका हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं कुछ स्पेशल लेके आया हूँ आपके लिए। बहुत से यूट्यूब पर ऐसी वीडियो की जिनको बताया जाता है कि ये टिप्स यूज करके आप एक दिन में 1000 सब्सक्राइबर पाइए या ऐसा कुछ। तो दोस्तों अगर आप मेरी माने तो ऐसा कुछ नहीं होता है यूट्यूब पे। यूट्यूब का एल्गोरिथम बहुत ही स्ट्रिक्ट है, तो इसलिए मैं आज की इस वीडियो में कुछ आपको रियलिटी बेस्ड चीजें बताऊंगा जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप डेफिनेटली 1000 सब्सक्राइबर के आप लाख सब्सक्राइबर तक भी पहुंचेंगे, जैसे कि आपके सामने मैं भी आपके प्यार की वजह से पहुंचूंगा। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी मतलब छोड़ के मत जाना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश आपका स्वागत करता हूँ एक और नई वीडियो में। दोस्तों मैं आपके लिए कुछ स्पेशल पॉइंट्स लिख के लाया हूँ, अगर आप इनको फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपका चैनल सक्सेस होगा। तो दोस्तों ये सबसे बड़ा पॉइंट है और इसे सबसे पहला पॉइंट है, और ये गलती मुझसे भी हुई है इसीलिए मैं बता रहा हूँ, आप इस गलती को मत दोहराना। सबसे पहले अगर आप चैनल स्टार्ट करने जा रहे हैं तो उसके लिए एक बेस्ट टॉपिक ढूंढें, एक नीच ढूंढें कि जिसके ऊपर आप रेगुलर अपने वीडियोस डालें। सबसे बड़ी चीज यही होती है दोस्तों, नीच कंटेंट बिल्कुल मत करना। मैंने कराया लेकिन मैं अब इस गलती को सुधार रहा हूं। अब मैं अपने चैनल को एक ही फ्लो में लेके वाला हूं, मतलब मैंने एक ही नीच पे काम करने वाला हूं। और जो अगर दोस्तों अब दूसरे पॉइंट की बात करता हूं, तो दूसरा पॉइंट है थंबनेल। आपको अच्छे से अच्छा थंबनेल बनाना है, ये मैटर नहीं करता कि आपको कंटेंट कितना अच्छा है, ये जब तक, क्योंकि आपका अगर थंबनेल अच्छा नहीं होगा तब तक ये चीज आपके लिए मैटर नहीं करेगी। कंटेंट तभी मैटर करता है अगर आपका थंबनेल अच्छा होगा और उस पर अगर व्यूअर उस पर क्लिक करता है, उसी के बाद वो अट्रैक्ट होगा आपकी वीडियो देख के। अगर आपका थंबनेल अच्छा ही नहीं होगा तो वो यूट्यूब के जो मतलब व्यूअर आएंगे वो आपकी वीडियो पर क्लिक ही नहीं करेंगे। तो मैं जो तीसरा पॉइंट आपको बताता हूँ वो है कंसिस्टेंसी। जी हाँ दोस्तों, जैसे मैं हूं अभी आप देख सकते हो कि इतने शॉर्ट शॉर्ट में वीडियोस डाल रहा हूँ, मैं रेगुलर वीडियोस नहीं डाल रहा हूँ। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अगर आप यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते हैं तो आपको बिल्कुल कंसिस्टेंट रहना है। और दोस्तों अगर मैं चौथी बात करता हूँ, अपने चैनल पे मतलब आपने जो भी नीच सिलेक्ट करी है उस पर आप कुछ ऐसे टॉपिक्स ढूंढे जो एवरग्रीन रहे, मतलब जिन पे धीरे धीरे आए चाहे व्यूज पर व्यूज आते रहे। मेरे चैनल पे 2 से 3 वीडियो ऐसी हैं और कुछ वीडियोस मैंने हटा भी दिए किसी कारण से, क्योंकि मैं भी आपको बताया कि मैं नीच पे काम करने वाला हूँ, इसलिए मैंने अपने चैनल के कम से कम भी 20 वीडियोस हटा दी है। तो दोस्तों इसलिए आपको भी ये ध्यान में रखना है कि कुछ कंटेंट ऐसा भी लाओ कि जो मतलब एवरग्रीन रहे। और साथ ही साथ अगर आपको ये डाउट होता है कि आपको वीडियो बनाए किस चीज पे, तो दोस्तों ये भी आपको ध्यान रखना है कि ट्रेंडिंग वीडियोस भी ढूंढें कि जो ट्रेंडिंग में चल रही है, उसके टॉपिक्स जो चल रहे हैं ट्रेंडिंग पे उन पर भी वीडियो बनाए, क्योंकि उससे जैसे व्यूअर्स यूट्यूब पे सर्च करते हैं ताकि वो आपके चैनल तक पहुंच पाए और आपकी वीडियो देखे। और दोस्तों अगर मैं अगली आप बात करता हूँ, जैसे आप मान लो बिगनर हो, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बिगनर्स के साथ क्या आती है कि उनको व्यूज नहीं आते, तो वो डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि व्यूज लाने का तरीका क्या होता है, और यही व्यूअर्स जो होते हैं, यही जो व्यूअर्स आपकी वीडियो देखेंगे, यही अपनी वीडियो को रैंक करवाते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि कैसे करवाते हैं ये। तो दोस्तों सबसे पहले होता है कि आप अपने स्टार्टिंग में अपनी वीडियोस को शेयर करें, लेकिन आपको शेयर कैसे करना है ये ध्यान से सुनिए। अगर आपको शेयर करना है डायरेक्ट फेसबुक पे शेयर मत कीजिए, इंस्टाग्राम कहीं पे भी आप शेयर मत कीजिए, आपको सिर्फ शेयर करना है तो व्हाट्सएप पे कीजिए, सिर्फ उन्हीं लोगों को कीजिए जिन पर आपको ट्रस्ट है, आप मतलब वो आपकी वीडियो पूरी देखेंगे। इससे क्या होता है कि जब भी आप वो आपकी वीडियो पूरी देखें, चाहे आपके मतलब 10 लोग ही आपकी वीडियो पूरी देखें, तो इससे ऑडियंस रिटेंशन जो है 50 से 60% से ऊपर चल जाता है। अगर YouTube पे ऐसा माना जाता है, अगर ऑडियंस रिटेंशन 50% से ऊपर जाता है तो आपकी वीडियो रैंक कर जाएगी आराम से, मतलब वो कंसिस्टेंटली 50% से ऊपर रहना चाहिए। और मेरी बहुत सी वीडियो ऐसे मैंने एनालाइज करा कि ऐसा होता भी है। यही एक तरीका होता है वीडियो वायरल करने का, और कोई ट्रिक कुछ काम नहीं आता है। तो इसलिए उन्हीं लोगों से शेयर करें जो आपकी वीडियो को पूरा देखें या कम से कम भी 70 से 80% देखें, जिससे क्या होगा कि जैसे आपकी वीडियो वो पूरी देखेंगे तो यूट्यूब को लगेगा कि मतलब जो व्यूअर्स हैं वो उनकी वीडियो पूरी देख रहे हैं, तो मतलब इस वीडियो में कुछ अच्छा है, ये कंटेंट अच्छा है, इसलिए फिर यूट्यूब भी आगे रिकमेंड करेगा व्यूअर्स को कि आप भी देखें इस वीडियो को, ये अच्छी वीडियो है। ऐसे यूट्यूब का एल्गोरिथम काम करता है। और दोस्तों अगली मैं बात बताता हूँ, ये थोड़ी ध्यान से सुनना, ये मेरा अपने एनालिसिस से मैं बता रहा हूँ, मेरे को नहीं पता ये होता कि, पर मेरे साथ ऐसा हो रहा है। इसलिए जैसे मान लो कोई भी व्यूअर आपकी वीडियो पे कमेंट करता है, तो दोस्तों इंस्टेंटली उसको रिप्लाई मत कीजिए। मैं बताता हूँ इसका रीजन ये है, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो अभी पीछे बताया कि मतलब वीडियो में आपने देखा कि ऑडियंस रिटेंशन की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन जब आप किसी मतलब कमेंट का रिप्लाई करते हैं तो वो क्या करता है कि वो भी एक्साइटमेंट में आपका रिप्लाई करने की कोशिश करता है। जब वो रिप्लाई करने आता है तो उसमें क्या होता है, वीडियो भी स्टार्ट में चलती है, अगर आपने ऐसा एनालाइज करा होगा, स्टार्टिंग में चलती है तो क्या करता है वो अपना रिप्लाई फिनिश करता है, तब तक आपकी वीडियो जो है 10 सेकंड तक उसके फोन में चल गई होती है, जिससे कहता है फिर वो वीडियो छोड़ के चला जाता है। तो YouTube को भी आपको पता है ऑडियंस रिटेंशन उससे कम होती है, फिर यही नेचुरल बात है कि YouTube को लगेगा कि इसकी वीडियो थोड़ी अब बेकार, मतलब ये कुछ व्यूअर्स जिनको अच्छी लगी है बाद में बेकार लग रही है। तो दोस्तों ध्यान रखें, उनको रिप्लाई करें, डेफिनेटली रिप्लाई करें, लेकिन
थोड़े टाइम बात करें तब इंस्टेंटली रिप्लाई मत करें। और दोस्तों अगली बात मैं आपको बता दूं कि मतलब अपने व्यूअर्स ना बिल्कुल एंगेज रहें। जैसे आप इंस्टा पे उनको देते हैं कि मुझे इंस्टा पे फॉलो कर लो, कुछ क्वेश्चंस वगैरह कुछ भी पूछ लो। दोस्तों जैसे मुझे भी करते हैं तो मेरे मेन सब्सक्राइबर्स पता कैसे बढ़े हैं, क्योंकि मैंने क्या किया कि जो मेरे इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज करते हैं मैं हर किसी का रिप्लाई करता हूँ। इवन आप भी मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके चेक कर सकते हैं, मैंने ना आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। तो दोस्तों इससे क्या होता है कि जो ऑडियंस होती है, जो व्यूअर्स होते हैं, उनको लगता है कि ये जो बंदा है ये हमारे साथ कनेक्टेड है, ये हमारे रिप्लाई कर रहा है, मतलब ये हमारी सच में हेल्प करना चाहता है। उससे कहते हैं वो भी इंप्रेस होते हैं और उससे वो हमें और ज्यादा सपोर्ट करते हैं, सब्सक्राइब वगैरह कर जाते हैं। क्योंकि मैक्सिमम व्यूअर्स जो होते हैं वो उसी टाइम सब्सक्राइब नहीं करते हैं, कुछ ही होता है, मतलब 5-6% लोग होते हैं जो सब्सक्राइब उसी टाइम कर देते हैं, वरना काफी सारे नहीं करते हैं सर। और अगली बात बता दूं, जैसे अब 1000 सब्सक्राइबर मेरे पूरे हो गए हैं तो दोस्तों क्या होता है, ये एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट बन गया। अब सबको लगता है कि हाँ यार ये कोई अच्छा बंदा है, इसीलिए मतलब यूट्यूब पे 1000 सब्सक्राइबर क्रॉस करना एक सबसे बड़ा माइलस्टोन है, और इससे क्या है साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी अच्छा बन जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखें, आप इस जो ये मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए इनको ध्यान से फॉलो करें, इन सभी चीजों पे काम करें। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना, और साथ ही साथ कुछ कमेंट करके मुझे पूछना चाहते हो जरूर पूछें, और साथ ही साथ मेरे इंस्टा पे मुझे फॉलो करके आप कुछ भी पूछ सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लेना है। दिल से मछली, दिल से हिंदुस्तानी, जय हिंद।